आपने कभी ऐसी मिठाई खाई है जिसका स्वाद आपको यादों में बस जाए? आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया, जहां की खास काजू गजक मिठाई का स्वाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पसंद करते हैं। जानेंगे इस लाजवाब मिठाई की कहानी और उसका अनोखा बनाने का तरीका। बलिया में एक खास मिठाई बनती है जिसे लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं। इस मिठाई का नाम है काजू गजक, जो दिखने में सोन पापड़ी जैसी होती है, लेकिन इसका स्वाद और बनावट उससे बिल्कुल अलग और लाजवाब है। यह काजू गजक मिठाई है। इसके स्वाद की तारीफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। यह बहुत स्वादिष्ट मिठाई है और इसे खाने और पैक करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट मिठाई है। इसकी तारीफ हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ समारोह में आए थे, वहाँ पे हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य वो यहाँ से लेके गए, उन्होंने हमारे बहुत ही तारीफ की इस मिठाई का। दिव्यांशु गुप्ता, जो जमुना बेकरी मिष्ठान भंडार के मालिक हैं, बताते हैं कि काजू गजक का स्वाद ऐसा है कि लोग इसे खाने के बाद इसके दीवाने हो जाते हैं। इस मिठाई को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत खास है। सबसे पहले काजू का गाढ़ा पेस्ट बनाकर देसी घी में धीमी आंच पर देर तक पकाया जाता है। फिर इसे सोन पापड़ी की तरह खींचकर आकार दिया जाता है। काजू से तैयार होने के कारण इसका रंग, बनावट और स्वाद सोन पापड़ी से बिल्कुल अलग होता है। ये इस मिठाई का जो बनाने का विधि है, काजू का पेस्ट बना के देसी घी में हल्की सी चीनी कम आंच पे पकाया जाता है, और जिस तरीके से पापड़ी को खींचा जाता है उस तरीके का ही दिखने में मिठाई होता है, लेकिन ये सोन पापड़ी से बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि ये काजू से बना होता है। काजू गजक की कीमत 900 रुपए प्रति किलो और 25 रुपए प्रति पीस है। इस मिठाई की लोकप्रियता इतनी है कि दूर दूर से लोग इसे खरीदने आते हैं। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया जिले में हमारे यहाँ ही होता है, इसके अलावा कोई अन्य कारीगर हमारे यहाँ के कारीगर कोई अन्य कारीगर नहीं बना पाते। अच्छा, क्या कीमत है? 900 रुपए किलो, 25 रुपए पीस के हिसाब से हमारे यहाँ।